संविधान का अनुच्छेद 44 क्या कहता है, जरा उसको भी पढ़ लें लोग बाग। और इन्होंने तो लागू करना ही करना है, इनके तो एजेंडे में था 370 खत्म करेंगे और यूनिवर्सल सिविल कोड हम लाएंगे, समान नागरिक संहिता हम लागू करेंगे, ये इनका एजेंडा है, इसमें हम क्या कह सकते हैं। हाँ, हम ये चाहते हैं कि ये पहले अपनी मंशा स्पष्ट करें, क्या वो कानून में लाना चाहते हैं, क्या बदलाव करना चाहते हैं, किस तरीके से लागू करना चाहते हैं, क्योंकि संविधान जब आपका है, संवैधानिक रूप से देश चलेगा या संविधान से देश चलेगा या भाजपा की मर्जी से चलेगा या आरएसएस की मर्जी से चलेगा, ये भाजपा के लोगों को पहले स्पष्ट करना चाहिए, देश के सामने वो ड्राफ्ट रखना चाहिए कि आप क्या ड्राफ्ट लाना चाह रहे हैं। आपने कमेटी बनाई, अभी हमारे मेरे मित्र का कोई हस्तक्षेप का सवाल ही नहीं, आप जिस ओर इशारा कर रहे हैं, ये कानून बनाने की बात कही जा रही है सबके लिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात यही है कि जब एक विधान है, एक देश है, तो एक ही कानून होना चाहिए, सबके अपने अलग अलग मजहबी जो कानून है वो खत्म हो जाएगा और इससे फायदा ही होगा। ठीक है सर, वापस आपका रुख करूंगी। मोहम्मद अतीक है नेता हमारे साथ मुस्लिम लीग के। मोहम्मद अतीक जी, यूसीसी पर दिक्कत क्यों हो रही है? जो बयान दिए जा रहे हैं कि इससे पहले ये बताया गया कि सिर्फ मुसलमानों को इससे खतरा हो जाएगा, इसलिए ये कानून लाया जा रहा है, जबरन हिंदू धर्म को थोपा जाएगा, कैसे मजहबी रोड़े क्यों अटकाए जा रहे हैं इसको लेकर? ये तो एक कानून बनेगा जो सबके लिए इक्वल होगा, क्यों इस वक्त जो है कानून इक्वल नहीं है? क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि संविधान में जो कानून है वो डूल तरीके से काम कर रहे हैं? ये पर्सनल लॉज जो है वो खत्म हो जाएंगे ना यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने के बाद? नहीं, क्यों? पर्सनल लॉज क्या संविधान के खिलाफ है? संविधान के अनुरूप ही तो है वो, संविधान ने ही तो उनको ताकत दी है, संविधान में ही तो उसका उसको उल्लिखित किया गया है। उसी संविधान में यह भी उल्लिखित है कि वक्त की जरूरत है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जा सकता है, किया जाना चाहिए। देखिए ये वक्त की जरूरत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बहुत नीचे गिर चुका है। 2024 में ये बिल्कुल जा रहे हैं और हमारे फंडामेंटल राइट्स को अगर ये सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये तो आसान नहीं है, ये समझ लें भारतीय जनता पार्टी। ये अब तीन तलाक वाला मसला नहीं है कि हम खामोश रहे, ये राम मंदिर वाला मसला नहीं है, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का मसला है। हम इसमें खामोश नहीं रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी इसको आसानी से लागू नहीं कर सकती, हम इसके लिए विरोध प्रदर्शन करेंगे, हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। और ये समझ लीजिए ये भारत का संविधान, ये बताइए यूनिफॉर्म सिविल कोड चलता रहेगा। सुनिए सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू होता है तो इससे क्या परेशानी होगी आपको? क्यों इसका विरोध कर रहे हैं आप लोग? इसकी जरूरत क्यों है? परेशानी जरूरत क्यों है? इत आजादी से लेकर अब तक, आजादी से लेकर अब तक सारी चीजें तो स्मूथ चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी अपना ये कॉमन सिविल कोड नहीं ला रही है, ये भगवा एजेंडा मुसलमानों पे थोपना चाहती है। वो चाहती है कि हम मस्जिद में जाएं तो टीका लगा के जाएं, जनेऊ पहन के जाएं, वो ये चाहती है। ऐसा नहीं होने वाला, यूनिफॉर्म सिविल कोड में थोड़ी होगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप, कैसी बातें कर रहे हैं मोहम्मद अतीक, ये कैसी बातें कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का सिविल कोड नहीं है ये भारतीय जनता पार्टी का भगवा कोड है, ये भगवा कोड लाने की कोशिश कर रही है। एपी सिंह संविधान के जानकार विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। आप जिन चीजों को लेकर के डाउटफुल हैं वो डाउट अभी यहां पर क्लियर हो जाएंगे, सुनिएगा जरूर मोहम्मद अतीक, आप बताइए, क्योंकि ये संविधान का बार बार हवाला दे रहे हैं और अपनी बातों को जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये किस तरीके से एक संगठन द्वारा संचालित होगा और सीधे तौर पर हिंदू लॉ थोपने के लिए यहां पर बता रहे हैं कि ये सरकार लाने की कोशिश कर रही है, पीछे की मंशा ऐसी है। सर पहले आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी प्रिया जी, क्या मेरी आवाज आपको आ रही है? प्रिया जी दिक्कत यही है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं पिछले 75 सालों से, उन्हें संविधान का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। मैं ज्यादा ज्ञान की तो बात तो नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ज्ञान नहीं है। मोहम्मद अतीक जैसे जो मेरे को पैनलिस्ट हैं, अगर वो कहते हैं कि ये उनके फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या फंडामेंटल राइट के साथ कभी छेड़खानी नहीं की गई? आप आजादी के बाद से इतिहास उठा के देख लीजिए, आप अनुच्छेद 19 की बात करिए, अनुच्छेद 19 में बदलाव किया गया, राइट टू प्रॉपर्टी को छीन लिया गया, जब हमारे मुस्लिम समुदाय के लोगों को आरक्षण मिलता है अनुच्छेद 15 में बदलाव किया गया,
जीवन जीने का जो अधिकार है अनुच्छेद 21 में बदलाव किया गया। मैं कहता हूँ फंडामेंटल राइट में बदलाव ना किया जाना, अगर ये इनकी जानकारी है तो ये बिल्कुल गलत है। हाँ एक बात पड़ती है, मूल ढांचे में बदलाव नहीं किया जा सकता है। और जहां तक ये आरोप है कि ये बीजेपी का एजेंडा है, ये बीजेपी कांग्रेस का एजेंडा नहीं हो सकता, ये संविधान का एजेंडा। इन्हें समझ में आनी चाहिए कि संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बीजेपी के नहीं थी, बी एम राव बीजेपी के नहीं थे, संवैधानिक सभा का कोई भी सदस्य बीजेपी और आरएसएस का नहीं था, लेकिन उन्होंने इसे डीपीएसपी में डाला, राज्य के नीति निदेशक तत्व में डाला और कहा कि जब उचित समय आ जाएगा तब इसे लागू कर देंगे। ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा नहीं करते हैं। 1986 से शाह बानो से लेते हुए आज शायरा बानो, उजड़ला मुद्गल, लीली थॉमस, सुप्रीम कोर्ट असहाय की तरह इस देश की सरकारों से कह रहा है कि जब लाएंगे आप यूनिफॉर्म सिविल कोड, आजादी के अमृत महोत्सव को हमने मना लिया। तो मुझे लगता है संवैधानिक मूल्यों का ज्ञान न होना ही इस तरीके के आरोपों का जो बैकग्राउंड है वो हो सकता है, लेकिन संविधान कहता है, ये जिम्मेदारी डालता है देश की सरकारों पर, और यदि कोई देश की सरकार संविधान में वर्णित डीपीएसपी को लागू करती है तो मुझे लगता है वो संविधान डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के आदर्शों पर चलने वाली सरकार है, क्योंकि कोई भी पढ़ सकता है अनुच्छेद 37 इस देश की सरकारों को, इस देश के लोगों को कहता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ दिस कंट्री। इस देश की सरकारों की जिम्मेदारी है समय समय पर डीपीएसपी ने बिल्कुल एक प्रोविजन को निकालिए, उस पर लॉ बना लीजिए। ठीक है मोहम्मद अतीक, जिस संविधान के पीछे आपने छुपने की कोशिश की वो संविधान क्या कहता है, इसीलिए संविधान के जो विशेषज्ञ हैं एपी सिंह जी, उनसे मैंने ये क्लियर करा दिया कि क्या उल्लेख है। अब डाउट क्लियर हुआ आपका? जी ये संविधान के विशेषज्ञ नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की कैसे चापलूसी करी जाए ये उसके विशेषज्ञ हैं। भारतीय जनता पार्टी के 2-3 प्रवक्ता और पकड़ के लाइए, किसी को राजनीतिक विश्लेषक बना के लाइए, किसी को आप मुझे लगता है आपको संविधान से भी भरोसा नहीं है। जिस तरीके से बातों को नकार रहे, काट रहे, पैनल में बैठा कोई भी व्यक्ति इस चीज को नकार नहीं सकता। मुखौटा लगावे लोगों को, मुखौटा नोचना हमारा काम है, ऐसे मुखौटा लगा करके किसी के चेहरे से मुखौटा नोचना ये वाहवाही और शाबाशी का काम नहीं होता है। वीरेंद्र बिल्कुल ये कह रहे हैं कि अगर कॉमन सिविल कोड लागू करेगी तो भारतीय जनता पार्टी संविधान पे चलने वाली, अरे इससे पहले जो सरकारें थी वो संविधान पे नहीं चलती थी। राइट टू प्रॉपर्टी बीजेपी ने हटाया, अनुच्छेद 21 से बीजेपी ने हटाया, अनुच्छेद 15 में जो आपको आरक्षण मिल रहा है, आपके बच्चों को आरक्षण मिल रहा है, वो बीजेपी ने किया। सुन लीजिए संविधान क्या कहता है, आपके फंडामेंटल राइट्स आप बार बार जो गिनवा रहे हैं कि उसका हवाला दे रहे हैं, तो जरा सुन लीजिए मोहम्मद अतीक, सुन लीजिए, सुनने का भी दम रखिए। अगर इस तरीके के आरोप आप लगा रहे हैं, सच्चाई क्या है, लोगों को भ्रमित मत कीजिए ना अपनी ऐसी बातों से जिसका ज्ञान भी नहीं है आपको। सुनिए मैडम, अरे ज्ञान आपको नहीं है, आपको पत्रकारिता का ज्ञान है। अरे सुन लीजिए, सुन लीजिए, बहुत बड़ी टीचर नहीं है। सुनिए सुनिए सुन लीजिए, सुनने का भी ध्यान रखिए, सुनिए। संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप किस फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं, नाम तो बता दीजिए। एक फंडामेंटल का नाम बता दीजिए, संविधान पे भरोसा नहीं है आप बताएंगे मुझे संविधान पे भरोसा नहीं है? संविधान पे भरोसा उन लोगों को, भगवान लोगों को नहीं है जो कहते हैं कि जजों को फैसला देना चाहिए, जो मान्य होना चाहिए, जो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, वो संविधान के खिलाफ जा रहे हैं। आप मुझे मत बताइए, आप संविधान विशेषज्ञ नहीं है जनाब, आप संविधान विशेषज्ञ नहीं है, ये मुखौटा उतार के फेंक दीजिए, असल चेहरा तो दिखाइए अपना। मैं तो गोल्ड मेडलिस्ट हूँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का संविधान में, मुझे बीजेपी आरएसएस में गोल्ड मेडल नहीं दिया है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक फंडामेंटल राइट का नाम बता दो, मैं अभी डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा। आप बताइए किस फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं, क्या संविधान बीजेपी आरएसएस का बना है? गोल्ड मेडल इसी से साबित होता है, आपका गोल्ड मेडल। मोहम्मद अतीक काम की बात कर लीजिए ना, पॉइंट।